my name is Mary and I'm making video regarding fashion and fashion accessories. So if you're watching this face for the very first time, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I'm uploading any of my video, you guys get the notification. So in today's video, I'm gonna share how you make a fabric earrings with waste material. Yes, I didn't use anything like decorative piece, stones, beads, slabs, etc. I didn't use anything. मैंने जैसे इसमें प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया ना, उनको अलग अलग शेप्स दिए सो दैट ये थोड़ी अट्रैक्टिव लगे एंड हम इसको वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी वियर कर सकें. सो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, लेट्स मूव इन टू द वीडियो. हियर वी हैव सम मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कार्डबोर्ड की शेप्स कट करके रख लिए, जो भी हमने इयररिंग्स को शेप देनी है, एंड फैब्रिक भी कट कर लिया है. एंड सम थ्रेड्स, नीडल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैब्रिक ग्लू एंड हुक स्टड हैंड पिन हैंगिंग के लिए एंड सम पीसीस ऑफ फैब्रिक. सो लेट्स टॉक अबाउट फैब्रिक. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये पीच कलर का फैब्रिक लिया जिसमें जो ब्लू शेड दिख रहा है एंड ये पीच कलर हमें ये अलग अलग कट करने हैं इयररिंग्स के लिए. इसमें हम ये स्क्वायर वाले शेप यूज़ करेंगे एज यू कैन सी गाइज. नेक्स्ट इज हमारे पास है ये फ्लोरल प्रिंट. इसमें जो व्हाइट एंड येलो शेड शो हो रहा है हमने वो कट करना है एंड सिंपल ग्रीन बेस इसमें हम ये वाली शेप बनाएंगे. एंड थर्ड इज ये रेड वाला. इस फैब्रिक को देख के मुझे शेप समझ में आई तो हमने ये ग्रीन एंड ये येलो वाला प्रिंट है वो लेके आया था. हमने इसी साइज में इसको कट कर लिया है, एज यू कैन सी मैंने कट कर लिया. एंड लास्ट इज ग्रीन. ये लाइनिंग वाला प्रिंट था, वो लाइनिंग में फ्लावर था, हमने ये शेप लेनी है इसमें एंड ये लाइनिंग वाला एक साइज कट करना है एंड फ्लावर में हम राउंड में हमने ये फ्लावर वाला कट देना है. सो सबसे पहले मैं रेड वाला फैब्रिक ले रही हूँ. सो यू कैन सी गाइस इस पे ग्रीन एंड येलो वाली जो शेड है हमने इयररिंग के फ्रंट साइड पे उसको रखना है. सो फर्स्टली हम कार्डबोर्ड की फ्रंट साइड पे ग्लू अप्लाई कर लेंगे सो दैट जो इनका जो प्रिंटेड साइड ऑफ फैब्रिक है वो वहीं पे स्टिक हो जाए जहाँ हमें चाहिए. सो मैंने ग्लू लगा लिया. हमने वही जो प्रिंट हमें सेंटर में चाहिए हमें बिल्कुल सेंटर में उसको स्टिक कर देना सो दैट ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए. सो यू कैन सी मैं इसको वहीं पे स्टिक कर रही हूँ एंड इसकी बैक साइड पे हमने ग्लू लगाकर इसके पूरे एजेस को कवर कर देना है. यू कैन सी गाइस आई एम अप्लाइंग द ग्लू एंड स्टिक द फैब्रिक. यही प्रोसेस आपने चारों तरफ फॉलो करना है एंड इसको पूरा कवर कर देना है. फॉलो करना है गाइस. हमने कार्डबोर्ड को अच्छे से ग्लू करके फैब्रिक को स्टिक कर देना है एंड इसको कवर कर देना अच्छे से. हम सारी इयररिंग्स को सबसे पहले फैब्रिक से कवर करेंगे. फिनिशिंग के लिए हमने सेम साइज़ का फैब्रिक कट करना है, इसको स्टड हेड पिन उसमें से निकाल देना है ऐसे यू कैन सी एंड इसको ग्लू करके बिल्कुल अच्छे से ग्लू करके इसको यहाँ पे स्टिक कर देना है. सो इसको हम ड्राई होने के लिए रखेंगे. तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हमने सेम ऐसे ही बैक फिनिशिंग देनी है. यू कैन सी हमें सेम साइज़ का फैब्रिक कट करना है एंड इसको ग्लू कर देना है.
करेंगे। सो यू कैन सी जो स्टड हेड पिन है, स्टड हेड पिन के बिल्कुल नीचे से हमने स्टिच को निकाल के लेके आना एंड नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल सेंटर में से इसको लेके जाना एंड इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है, तो ये जॉइंट हो जाएगा। हमारे एयरिंग्स बिल्कुल रेडी हैं एंड ये बहुत 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 क्यूट लग रहे हैं। कमेंट शेयर जरूर करें एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।